बात्या विपर्य को नहीं आसुची बड़ खबर आउ घंटाए पर लैंडफल कर बात्या विपर्य संध्या छटू आरंभ हो लैंडफल प्रक्रिया अर्थात स्थलभाग छुईवा प्रक्रिया आ कि समय पर आउ दुई घंटा पर पाखापाखि लैंडफल प्रक्रिया आरंभ हो अर्थात छटू घंटाए पर प्रक्रिया पाखापाखि राति दसटा पर्यंत यह लैंडफल प्रक्रिया स्थलभाग छुईवा प्रक्रिया जारी रहिब एवं घंटा प्रति वर्तमान सूचना मुताबक 6 किलोमीटर बेगरे गुजरात आड़ को मारी आसुची भीषण सामुद्रिक झड़ विपर्जय कच्छर जोखो बंदर निकट में आज संध्या 6 आरंभ हो लैंडफल प्रक्रिया ए संपर्क में सूचना देखते आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र आउ स्थलभाग छुईवा समय पवन रेग घंटा प्रति 115-125 किलोमीटर पर्यंत रहीपे से भाई समय समय यार गति अर्थात झटका पवन 140 किलोमीटर पर्यंत अनुभूत होपे ए संपर्क में आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र सूचना देखते वर्तमान पवन रेग 120-140 किलोमीटर मध्य रही स्थलभाग छुईवा पर बात्या सौराष्ट्र एवं कच्छ मध्य पाकिस्तान कराची आड़क गति कर आउ बात्या नहीं सौराष्ट्र और कच्छ में रेड आलर्ट करा सहित उपकूल को पूर्व खाली कर दि जाए आउ ये लैंडफल प्रक्रिया राति प्राय 10 पर्यंत जारी रपटे बात्या प्रभाव में गुजरात कच्छ आम्रोली और द्वारिकार प्रबल वर्षा सहित पवन वर्तमान लागी रही बात्या प्रभाव में गुजरात उपकूल आरंभ हो जाए वर्षा आउ वर्षा सांग को जोर में बहुची पवन पोरबंदर समेत उपकूल में उठू उच्च उच्चर जुआर और बात्या स्थितर मुकबिला पूरा आलर्ट अच्छा गुजरात सरकार आम विभिन्न चित्र आपंक देखा जिते बड़े आज किसी समय पर घंटाए पर बात्या विपर्यर लैंडफल प्रक्रिया व स्थलभाग छुईवा प्रक्रिया आरंभ होबर आम देखुचे समुद्र अशांत हो उठी एवं समुद्र तटवर्ती जो अंचल थिला जनबसती थिला लोके रोते से जथेष्ट पूर्व सुरक्षित जगह को स्थानांतरित करपटे पवन रेग बर्तमान 120-140 किलोमीटर मध्य रही अनुमान करते जितेबाद 120-140 किलोमीटर बेगर पवन बुए रास्त ढड़ा संभव नुहे विभिन्न जगार गच पड़ इलेक्ट्रिक खुंट बती एसबू भांगिजी एक साधारण कथ विभिन्न जगह कच्चा घर चाड़ छपर घर ए सबू गोटे प्रकार भांगी पड़ भुशुड़ी पड़ एक पूर्व जना तेणु जे मैंने असुरक्षित जगार अच्छा जे मैंने विपद संकुल जगार अच्छा प्राथमिकता थी से केमी सुरक्षित जगह को निजी और बर्तमान समय अपडेट आम कहींपर बात्या घंटाए पर लैंडफल कर पूर्व जी मैंने असुरक्षित जगार थे विपदपूर्ण जगार थे समस्त को सुरक्षित जगह को निजाई बात्या लैंडफल प्रक्रिया पाखापाखि 6-10 पर्यंत जारी रहिबो अर्थात लैंडफल प्रक्रिया पाखापाखि 4 घंटा लागिबो एवं ए 4 घंटा समय निश्चय आम ओडिशा रे देखिचे जेतेबेले बात्या हुए लैंडफल प्रक्रिया जो 4-5 घंटा रुहे यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण यही समय ही व्यापक क्षयति होता है अर्थात गछ भांगी पड़ा विभिन्न जगार इलेक्ट्रिक खुंट भांगा कौन प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होगा घर कांथ भांगा ये जो 4 घंटा ये 4 घंटा से दृष्टिकोण जथेष गुरुत्वपूर्ण यही समय भितर जी जमी कौन जगार फसी न जातु ताथेष गुरुत्व दि जाए लगातार भाव में आम आपको चित्र देखे रास्ता विभिन्न जगार खाली कारण लोकों पाखे पूर्व सूचना अच्छी जी जहाँ घरे बर्तमान रही जाइंट किए बाहर को बाहर पसंद करूना लैंडफॉल प्रोसेस है वो इवनिंग में शुरू होगा और मिडनाइट तक चालू रहेगा आफ्टर द लैंडफॉल फिर ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में इसका गति चालू रखेगा और धीरे धीरे वीक होते हुए कल सुबह को इसका विंड स्पीड 70-80 किलोमीटर आवर गस्टिंग टू 90 किलोमीटर आवर हो जाएगा इसका जो एसोसिएटेड वेदर है जो पहले हम बोले हैं कि कच्छ में सबसे ज्यादा सीवियर वेदर होगा जैसे कि हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है विंड स्पीड 15-125 kmph गस्टिंग 240 kmph हो सकता है टाइडल वेव 2-3 meters कोस्टल एरिया में इनंडेशन करा सकता है और ये बारिश से लोलाइंग एरिया में भी इनंडेशन हो सकता है और जैसे हम पहले बोल के रखे हैं ये जो विंड स्पीड है इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है शॉर्ट्स स्लम्स मड हाउस एस्बेस्टस हाउस टीन हाउस बोर्डिंग्स लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है ट्री अपरूटिंग हो सकता है ट्री ब्रांच ब्रेकिंग हो सकता है और टेलीफोन पोल्स इलेक्ट्रिक पोल्स अपरूटिंग बेंडिंग हो सकता है इसके लिए हम ये एडवाइस अभी जारी रखे हैं
कि कोई बाहर नहीं घूमना चाहिए, स्पेशली कच्छ डिस्ट्रिक्ट और गल्फ ऑफ कच्छ को लगे हुए जितना डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे कि पोरबंदर और देवभूमि द्वारका, जामनगर, राजकोट, मोरबी वगैरह, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने का संभावना है। इसलिए कोई लोग बाहर नहीं घूमना चाहिए, कोई ट्रांसपोर्ट चलना नहीं चाहिए, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, सरफेस ट्रांसपोर्ट सभी रेगुलेटेड होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ऑफशोर ऑपरेशन है और ऑफशोर इंडस्ट्रीज है उनका एक्टिविटी भी रेगुलेटेड होना चाहिए। समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए 16 तारीख सुबह तक, और सभी सेफ प्लेस में रहना चाहिए। लैंडफॉल प्रोसेस शाम को शुरू होगा, यानी 6 बजे के बाद लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होगा और ये लैंडफॉल प्रोसेस मिडनाइट तक जारी रहेगा। और लैंडफॉल जैसे हमने पहले बोले थे, मांडवी और कराची के बीच में जखौ पोर्ट के आसपास वेस्ट में होगा। मैं अभी आप लोगों को इंग्लिश में बताऊंगा। द साइक्लोन विपर्जय इज सेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एट 1430 आवर्स ईस्ट ऑफ टुडे। इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 110 किलोमीटर्स।